भाजपा के धारियावाद विधायक गौतम लाल मीणा का बुधवार सुबह निधन हो गया। गौतम लाल मीणा को कोरोना की चपेट में आने के बाद 16 मई को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां गौतम लाल वेंटिलेटर पे थे। बुधवार सुबह 8 बजे गौतम लाल का दिल की धड़कन अनियंत्रित हो गई। इसके बाद उपचार के दौरान सुबह 9:07 पर उनका निधन हो गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि गौतम लाल मीणा को पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद उदयपुर के एमबी अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विंग में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। मंगलवार रात मीणा की तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन बुधवार सुबह उनकी दिल की धड़कन अनियंत्रित हो गई। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गौतम लाल मीणा के निधन के बाद प्रदेश में भाजपा में शोक की लहर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे जहां एक बड़ी क्षति बताया है, वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष समेत प्रदेश भाजपा के आला नेताओं ने भी गौतम लाल मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि अब तक राजस्थान में 4 विधायकों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अब तक विधायकों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है 4 विधायकों की। गौतम लाल मीणा से पहले भाजपा विधायक राजसमंद की, किरण माहेश्वरी, कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी और गजेंद्र सिंह शक्तावत वल्लभ नगर के विधायक, इनका निधन हो चुका है। श्री गौतम जी मीणा के निधन का समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वो 25 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, वो मेरे साथी विधायक ही नहीं, मेरे मित्र भी थे और हमारे परिवार भी आपस में बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए रहे। मुझे बहुत ही दुख है, मुझे आज दिन भर में बहुत पछतावा हो रहा है कि क्यों नहीं मुझे पहले पता चला और मैं क्यों नहीं उनसे मिला और क्यों नहीं मैंने उनको पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जबकि वो काफ़ी दिनों से पीड़ित थे। 5-7 दिन बाद वहाँ हॉस्पिटल गए, जिससे बहुत देर हो चुकी थी और उनको डॉक्टर्स नहीं बचा पाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार का जो दुख है, वो परिवार का दुख, हमारा परिवार पूरा उस दुख में शामिल है और हम कृतज्ञता के साथ उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे।